हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हमने एडजस्टमेंट लिया है अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। सबसे पहले इसको समझने की जरूरत यह है कि अक्रूड इनकम होती क्या है। वो इनकम जो हो तो चुकी हैं लेकिन अभी मिली हमें नहीं है, मतलब ड्यू तो हो चुकी है सामने वाले के ऊपर लेकिन उसने अभी हमें दिया नहीं है। जैसे कोई रेंट होता है, ठीक है, उससे रेंट लेना है 2 महीने का लेकिन अभी किराएदार ने अभी हमें दिया नहीं है, हो तो चुका है लेकिन अभी रिसिप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में मैंने अमाउंट दिखाया रेंट रिसीव 5,000 रुपीज, एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर रुपीज 1,000 रुपीज। यानी उसने बताया कि 1,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो अभी नहीं मिला है, यानी रिसीव ड्यू तो हो चुका है सामने वाले के ऊपर रेंट लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो देखें, जो रिसीव हुआ है उसको लिख लेंगे। देखें, इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगी ट्रायल बैलेंस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्रेडिट साइड में जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रेंट रिसीव्ड। ध्यान से समझने की चीज है कि बच्चे इसको क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं जी, नहीं इनकम है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि एडजस्टमेंट 1,000 रुपए का क्या है, अक्रूड रेंट जो हमें मिला नहीं है, तो अक्रूड रेंट रुपीज 1,000। ये एंट्री कहां से आई है, कहां से आई है बेटा, एडजस्टमेंट से। कहां से आई है, एडजस्टमेंट से। यानी टोटल जो रेंट था इस वर्ष का तो वो कितना था, 6,000 रुपए जो रिसिप्ट होना था लेकिन उसमें से मिला कितना, सिर्फ 5,000। 1,000 अभी अक्रूड रह गया है। तो देखें, अब अक्रूड रह गया है तो हम क्या बना लेंगे उसे, वो हमारे लिए क्या हो गई, बोलो, एसेट। क्या हो गई, एसेट, ठीक है ना। अक्रूड रेंट 1,000 रुपीज। देखें सॉल्व हो गया। एडजस्टमेंट की एंट्री दो बार आ गई, क्लियर है।